में दंगे शुरू हो गए। इस वक्त अनामया सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों की हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु भाषा में बनी फिल्म पुष्पा 2 मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पुष्पा 2 मूवी के ऊपर। आज इस फिल्म को चर्चा करेंगे जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, क्या आप फिल्म पुष्पा 2 मूवी का फैन है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिल्म पुष्पा 2 यह एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने अपने बैनर सुकुमार राइटिंग्स के तहत निर्देशित और लिखा है। नवीन यरनेनी और यल्ला मंचिल्ली रविशंकर ने फिल्म के मैत्री मूवीज मेकर्स के बैनर के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है जबकि फहाद फासिल, रश्मिका मंदना, धनंजय जगदीश प्रताप भंडारी, राव रमेश, अजय, सुनील और अनसुया भद्राज सन्मुख और अजय घोष जैसे कलाकार पिछली फिल्म से अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। यह पुष्पा फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और दोस्तों पुष्पा द राइज की अगली कड़ी फिल्म के 10% फुटेज को मूल फिल्म के साथ शुरू में बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने कहानी को बदलने का फैसला किया है जिसके कारण फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और फिल्म को 500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म आज तक की सबसे ज़्यादा महंगी बनी तेलुगु फिल्मों में से एक बन रही है। फिल्म को रिलीज 6 दिसंबर 2024 तक रिलीज की तारीख दी है और यह फिल्म का तेलुगु भाषा में बनाई गई है।
दोस्तों इस फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पा राज के किरदार में दिखाई देंगे और फहाद फासिल एसपी भंवर सिंह शेखावत आईपीएस के रूप में हैं। वही अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुष्पा की पत्नी श्री बल्ली के रूप में दिखाई दी है। पुष्पा के दोस्त केशव मेहतो में मॉडलू के रूप में जगदीश प्रताप भंडारी और फिल्म में जगपति बाबू भी प्रकाश राज से और कई स्टार दिखाई देंगे। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म की फिल्माने फिल्म की फोटोग्राफी 30 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद में एक टेस्ट शूट के साथ शुरू हुई थी और जनवरी 2023 में विश्वनाथपुरम में एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया था। मार्च 2023 में कुछ दृश्य बेंगलोर में शूट किए गए थे। अफवाहों फैली की निर्देशक के असंतुष्ट होने के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी, लेकिन बाद में यह झूठी निकली क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से शूटिंग शुरू कर दिया गया था। अप्रैल 2023 में ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कुछ जंगल के दृश्य की शूटिंग की गई है। जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में कास्ट किया गया था। फहाद फासिल मई 2023 में सेट पर शामिल हुए, जबकि रश्मिका मंदाना जून 2023 में सेट पर शामिल हुए थे। जून 3 जून 2023 को फिल्म के क्रू कलाकारों को ले जा रही और एक बस बीच विजयवाड़ा हैदराबाद एक्सप्रेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अगस्त 2023 में रामोजी फिल्म सिटी में कुछ दृश्य फिल्माए गए और नवंबर 2023 में हैदराबाद में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया था। दोस्तों दिसंबर 2023 में अल्लू अर्जुन के स्वास्थ्य के कारण निर्माण फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया था। मार्च 2024 में बिजाग और यगंती मंदिर में कुछ दृश्य फिल्माए गए थे। बाद में बताया गया कि निर्माताओं ने अंगमा उत्तरा प्रदर्शन और एक लड़ाई अनुक्रम के लिए 60 करोड़ खर्च किए थे। अप्रैल 2024 में हैदराबाद में एक बड़े पैमाने पर पानी के नीचे का दृश्य फिल्माया गया था। मई 2024 में वह बताया गया कि फिल्म को कोई अंत होंगे और गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्माताओं ने फिल्म सेट पर नो फोन नीति का विकल्प चुना था। जुलाई 2024 में यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच दरार और रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई थी। हालांकि दोस्तों बाद में वो झूठी अफवाह साबित हुई और क्योंकि शूटिंग फिर से हैदराबाद में शूटिंग शुरू हो गई थी। 1990 और सन 2000 के बीच 2000 के दशक और जापान मलेशिया को दर्शाने वाली सेट रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म को फिर से बनाए गए। हालांकि दोस्तों शूटिंग की योजना बैंकॉक मलेशिया और जापान के लोकेशन पर थी, लेकिन फिल्म की बजट और समय की कमी के कारण ऐसी नहीं हो सका। अगस्त 2024 में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म की गीत संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है, जबकि गीत चंद्र बोस ने लिखे थे। फिल्म के संगीत अधिकार टी सीरीज ने हासिल किए थे और पुष्पा शीर्षक वाला पहला एकल 1 मई 2024 को रिलीज किया गया था। सुसेकी द कपल संग्स शीर्षक वाला दूसरा एकल 29 मई 2024 को रिलीज किया गया था।
बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो इस फिल्म की में 2021 में पुष्पा द राइज फिल्म से पहले फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जिसमें फिल्म के निर्माताओं ने कहा था कि पहला भाग उस साल रिलीज होगा जबकि दूसरा भाग एक साल बाद 2022 रिलीज होगा। शुरुआत में सीक्वेंस के 10% फुटेज के पहले भाग के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने दर्शकों को प्रत्याशा को पूरा करने और पिछली फिल्म की गलतियों को सुधारने के लिए सीक्वल की कहानी को बदलने का फैसला किया है। फिल्म का स्क्रिप्ट हिस्सा जुलाई 2022 तक हैदराबाद में पूरा हो गया था। आधिकारिक शीर्षक पुष्पा टू द रूल की घोषणा 22 अगस्त 2022 को की गई थी। उसी दिन हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक उद्घाटन मुहूर्त पूजा समारोह में आयोजित किया गया था। सुकुमार ने फिल्म की पाठकथा लिखी जबकि श्रीकांत विशा ने संवादों में योगदान दिया था। सुकुमार ने पिछले भाग में अधिकांश तकनीशियों को बरकरार रखा जिसमें छायाकार और मिरोलवसल कुब्बा और ब्रेजो संपादक कार्तिका श्रीनिवास ने और रूबेन का कला निर्देशक एस रामकृष्ण और मोनिका गंगोत्री और थॉनी डिजाइनर हरेशुल पुटुक्की और विजय कुमार शामिल है। फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, फहाद फासिल, अभिनेत्री रश्मिका मंदना, धनंजय और राव रमेश, सुनील अनसुईया भारद्वाज और अजय घोष पहले भागों के अन्य बचे हुए अभिनेता है और अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। जबकि जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था। दोस्तों बताया गया कि श्री लीला को एक आइटम गीत के लिए प्रस्ताव दिया गया था लेकिन बाद में उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। बाद में यह बताया गया कि दिशा पटानी को यह विशेष गीत के लिए चुना गया और आत्महत्या मामले में जमानत मिलने के बाद जगदीश प्रताप भंडारी फरवरी 2024 में कलाकारों में शामिल हो गए थे। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दिए हैं जो कि इनके किरदार दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। और इस फिल्म में फहाद फासिल अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की जोड़ी को दोस्तों दर्शकों को देखना बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म। अब यही सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की मचावटी मूवी आ रही है जिसका रिलीज 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। यह अल्लू अर्जुन एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किए हैं। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से अपनी शुरुआत की और सुकुमार की कल्ट क्लासिक आर्या 2004 में अपने अभिनय करके प्रमुखता में आए थे जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था। उन्होंने एक्शन फिल्म बनी 2005 और देशमुद्रो 2007 से अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है। 2008 की उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पोरुगु में अभिनय किया था जिसे के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु जीता था। अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 2009, वेदम 2010, जुलाई 2012, रेस ग्रूम 2014, एओएसओ सत्यमूर्ति 2015 और रुद्रमावेदी 2015 शामिल है। सारे नेडू 2016 और डी दुवादा जगन्नाथम 2017, अलबे कुंथपुरमुल्लु 2020 और पुष्पा द राइस 2021 जैसी
उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। वेदम ने एक निम्न वर्ग के एक निम्न वर्ग के केबल और अपरेटिस्ट के रूप में अपरेटिस्ट के रूप से और रेस्क्रूम में एक लापरवाह सड़क के चतुर व्यक्ति के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म दो फिल्में फेयर पुरस्कार जीते हैं, जिन्होंने रुद्रमावेदी में राजकुमार गुन्ना गुन्ना गन्ना रेड्डी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। पुष्पधर आईएएस या इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। बात की जाए दोस्तों अभिनेता लोअचुनसा की फिल्म कैरियर, इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किए हैं, जिसमें से बेबी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने बद्री की भूमिका निभाई और जो एक आधुनिक भारतीय समुराई है, जिसे इसके गुरु और प्रकाश राज बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है। अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में गहन मार्शल आर्ट और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों 2014 में काजल अग्रवाल के साथ वंशी पेडी पल्ली की एक्शन थ्रिलर फिल्म ये बड्डू में एक कैमियो के रूप में दिखाई दिए थे। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि अल्लू अर्जुन दिखते हैं कि अभिनेता एक छोटी भूमिका में भी क्या कर सकता है, कुछ ही मिनटों में वह अपने अनुभव को समेट लेता है, चरित्र को आतंक करता है और अपनी पहचान खो देने के बावजूद प्रभावशाली ढंग से बाहर निकलता है। उनकी अगली फिल्म सुरेंद्र रेड्डी की रेस ग्रूम थी, जिसमें उन्होंने अल्लू लक्ष्मण लकी प्रसाद नामक एक लापरवाह व्यक्ति की भूमिका निभाई है। वो मई 2013 में फिल्म में निर्माण में शामिल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। अल्लू अर्जुन की पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म थी और डेकन क्रॉनिकल को लिखते हुए सुरेश कवारिनी ने महसूस किया था कि अल्लू अर्जुन अपने उजरवान प्रदर्शन से शो को चुरा लेते हैं। उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल की प्रशंसा की थी और राजेंद्र ने भी प्रदर्शन से शो को चुरा लेता है। दोस्तों उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल को भी प्रशंसा की और राजेंद्र ने भी उनके डांस मूल्य कामिंग अभिनय और एक्शन दृश्य में प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन दोस्तों उन्होंने लगा कि कहानी पूर्वानुयम और रूटीन है। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। और दोस्तों जुलाई के बाद दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार के लिए नामांकित हुए थे। अल्लू अर्जुन ने एक लघु फिल्म आई एम टेड चेंज का निर्माण और अभिनय किया था, जो अगस्त 2014 में रिलीज हुई थी और फिल्म निर्देशक सुकुमार ने किया था। व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी पर जागरूकता फैलाने के लिए अपने रिलीज के बाद फिल्म को ऑनलाइन व्यावसायिक प्रतिक्रिया मिली थी। अल्लू अर्जुन ने अगली बार श्री विक्रम श्रीनिवास की एस ओ सत्यमूर्ति 2015 में दिखाई दी, जो 9 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और आलोचकों ने उनके अभिनय की प्रशंसा की थी।
फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना सातवां नामांकन दिलाया है। 2016 में यह उन्होंने भायापति श्रीनु द्वारा निर्देशित सारेनाडु में अभिनय किया था। हालांकि यह फिल्म पटकथा और कहानी के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने 6 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अल्लू अर्जुन ने इसे अपने कैरियर की एक ऐतिहासिक फिल्म कहा। एक्शन दृश्य में और डांस नंबरों में से उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी, और फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता था। इसके अलावा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 8वां नामांकन मिला है। उसी वर्ष जून में उन्होंने डीजे के लिए तीसरी बार निर्माता दिलराजु के साथ अपनी अगली फिल्म की घोषणा 2017 में रिलीज हुई थी। हरिशंकर द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें उन्होंने पूजा हेगड़े, राव रमेश और सुब्बाराजु के साथ दुव्वाधा जगन्नाथम डीजे डीजे शास्त्री की भूमिका निभाई और वह एक कैटर के रूप में दिखाई देते हैं। दिसंबर 2018 में उनके अगले प्रोजेक्ट अल्लाह वैकुंठ पुरमुल्लु की घोषणा की गई थी, जिसके निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया था। पूजा हेगड़े को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। इसी प्रकार डीजे दुव्वाधा जगन्नाथम के बाद हेगड़े के साथ उनका दूसरा सहयोग था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की, तो यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा द राइज 2 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई देने आ रही है। बहुत ही जल्द यह फिल्म को लेकर आ रही है और दर्शकों को इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म, क्योंकि दोस्तों यह मूवी पुष्पा 2 बहुत ही जल्दी आएगी और इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म अल्लाह वैकुंठ पुरमुल्लु में भी काम किया था। अल्लू अर्जुन के साथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुष्पा Part 1 और पुष्पा Part 2 में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई देने आ रही है। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। 2021 में अपनी पहली रिलीज में रश्मिका मंदाना कन्नड़ ध्रुव सज्जा स्टार पोगारू में एक गुणी स्कूल शिक्षक का किरदार निभाया था। डेक्कन हेराल्ड ने एक ऐसी फिल्म में भूमिका स्वीकार करने के लिए उनकी घोर आलोचना की जो महिलाओं की नीचा दिखाने वाली रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज में उन्होंने सुल्तान में कार्तिक के साथ तमिल सिनेमा में व्यावसायिक रूप से सफल शुरुआत किया था। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के पुदी पेडी ने सोचा कि रश्मिका मंदाना को दरकिनार कर दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुबुद्ध ने उनकी आकर्षक और शुरुआत के लिए प्रशंसा की थी। वर्ष की उनकी अंतिम उपस्थिति समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन अभिनेत्री थी। यह जिद्दी और लकी की भूमिका के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के करियर में एक महत्वपूर्ण सफलता दर्ज किया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पहचान मिली थी। फिल्म में कैंपेनियन के मुकेश और मंजू
मंजुनाथ ने पाया है कि उन्होंने इन टेस्ट्रोन चार्ज परिवर्षों में जारी और उद्दशा में मासूमियत दर्शाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन दोस्तों उन्होंने अफसोस जताया है कि उन्होंने किरदार का बुरा चेहरा और आवश्यकजनक प्रभावशाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना तब से पुष्पा द राइज में सफलता से उन्हें कई तरह की भूमिकाओं तक पहुंच देने को दिया था। रश्मिका मंदाना यह एक अभिनेत्री है। 2023 में अभिनेत्री ने 3 एक्शन फिल्मों वारिसु, मिशन मजनू और एनिमल में नजर आई थी। बारिश उन्होंने विजय के साथ सह अभिनय किया था, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से आइटम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सुगंध द्वारा उन्हें आर्म कैडी के रूप में खारिज कर दिया था। रश्मिका मंदाना विजय की प्रसिद्धि से मिलने वाली मान्यता के कारण एक छोटी भूमिका होने के बावजूद फिल्म में अपने अभिनय करने का एक संचित विकल्प करार दिया था। वही दोस्तों यह उनके एक ऐसी मूवी है। यह फिल्म रश्मिका मंदाना की अब तक की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म है और तमिल सिनेमा की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म नेटफ्लिक्स की हिंदी जासूसी थ्रिलर मिशन मजनू में रश्मिका मंदाना को सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक दृष्टबाधित महिला के रूप में देखा गया था और इसने स्ट्रीमिंग में उनकी शुरुआत की और तैयारी में उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों को व्यवहार पर अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए गहन कार्यशालाओं में भाग लिया था और उनके साथ उनके दृश्य को दौरान मल्होत्रा की आंखों में न देख पाना चुनौतीपूर्ण पाया था। फिर भी उन्होंने प्रदर्शन को खराब तरीके से प्राप्त किया था और फिल्म को इसे सूचित अनुचित राष्ट्रवादी विचार के कारण आलोचकों द्वारा नकार दिया था। फिल्म एनिमल में संदीप रेड्डी बंगा की विवादास्पद हिंदी एक्शन फिल्म जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में हैं, रश्मिका मंदाना ने एक कर्तव्य परमायन गृहिणी की भूमिका निभाई और जिसे अपने पति के भ्रष्ट व्यवहार के बारे में पता चलाता है। उन्होंने फिल्मांकन के दौरान प्रणीति चोपड़ा की जगह ली और क्योंकि दोस्तों वांगा को लगा कि वह इस भूमिका के लिए बेहतर है। फिल्म की सामग्री ने कुछ टिप्पणीकारों को फिल्म पर विषक्त, पुष्पक्त और स्त्री दोष का महिमांड करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता फहाद फासिल या इस फिल्म में इंस्पेक्टर पुलिस का रोल निभा रहे हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फहाद फासिल फफा के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से मलयालम और तमिल फिल्मों में काम करते हैं और अपने विविध चित्रणों के लिए प्रसिद्ध हैं। फहाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं और सबसे लोकप्रियता मलयालम अभिनेताओं में से एक हैं। फिल्म निर्माता फाजिल के जन्म फहाद के अपने परिवार की शुरुआत 20 साल की उम्र में अपने पिता 2002 की रोमांटिक फिल्म कैथे थुम और द्रुथ से की थी जो आलोचकों और व्यवसायिक विफलता थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की अभिनय करियर की शुरुआत तो इनकी फहाद ने
फिल्म फहाद ने अपने अभिनय फिल्मी करियर की शुरुआत किया थी थुरान 2002 से किया था और उसके बाद 2011 में नजर आए जो कि थ्रिलर फिल्म थी और जिसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मुख्य भूमिका में निभाई थी और चप्पा करीशु में मेरा किरदार अर्जुन एक ऐसा किरदार नहीं है जो किसी अभिनेता को अवसर मिलता है और मैं बहुत भाग्यशाली की बीमा भाग्यशाली और किस्मत वाला हूँ। फहाद ने कहा कि उन्होंने फिल्म में अपनी सह कलाकार और रम्या नंबेसन के साथ एक लंबा चुभन दृश्य फिल्माया है। वह दोस्तों फिल्म पुष्पा 2 में नजर आने वाले हैं और यह पुष्पा 2 में इनकी भूमिका को दर्शकों काफी पसंद कर रहे हैं। 2024 की इनकी पहली फिल्म फहाद ने अवेशम की दयालु मलयाली कन्नाडिंगा और गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने सह निर्माण किया था और यह उनकी पहली अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई थी। इंडिया टुडे के जानने के ने कहा कि गतिशील चरित्र को शानदार ढंग से चित्रित किया था जबकि विक के निर्मल और जेरियल ने कहा कि वह केवल उन चर्म वर्क्स और भागों में अपना पूर्ण रूप सामने लाते हैं। 20 जनवरी 2014 को उनकी सगाई मलयालम फिल्म अभिनेत्री नजरिया नाजमीन से हुई थी जिसने उन्होंने 21 अगस्त 2014 को त्रिवेदम में शादी किया था। इस जोड़ी को अंजलि मेनन की बैंगलोर डेज 2014 में कास्ट 2014 में पर एक दूसरे को और जानने को मौका मिला था जिसमें उन्होंने पति पत्नी की भूमिका निभाई और फहाद ने खुलासा किया कि उनके माता पिता ने शादी की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फहाद ने खुलासा किया कि उन्होंने एस्टेशन और डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर का पता चला था। दोस्तों यह एक ऐसे अभिनेता है जो 2024 की न्यू अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज में पुष्पा 2 में काम कर रहे हैं जिसमें अभिनेता अल्लू अर्जुन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों की हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु भाषा में बनी फिल्म पुष्पा 2 मूवी के, आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पुष्पा 2 मूवी के ऊपर, आज इस फिल्म को चर्चा करेंगे जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों क्या आप फिल्म पुष्पा 2 मूवी का फैन है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिल्म पुष्पा 2 यह एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने अपने बैनर सुकुमार राइटिंग्स के तहत निर्देशित और लिखा है। नवीन यरनेनी और यल्ला मंचिल्ली रविशंकर ने फिल्म की मैत्री मूवीज मेकर्स के बैनर के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है जबकि फहाद फासिल, रश्मिका मंदना, धनंजय जगदीश प्रताप भंडारी, राव रमेश, अजय, सुनील और अनसुया भद्राज सन्मुख और अजय घोष जैसे कलाकार पिछली फिल्म से अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। यह पुष्पा फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और दोस्तों पुष्पा द राइज की अगली कड़ी फिल्म के 10% फुटेज को मूल फिल्म के साथ शुरू में बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने कहानी को बदलने का फैसला किया है जिसके कारण फिल्म की
मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और फिल्म को 500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म आज तक की सबसे ज्यादा महंगी बनी तेलुगु फिल्मों में से एक बन रही है। फिल्म को रिलीज 6 दिसंबर 2024 तक रिलीज की तारीख दी है और यह फिल्म का तेलुगु भाषा में बनाई गई है। दोस्तों इस फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पराज के किरदार में दिखाई देंगे और फहाद फासिल एसपी मोहम्मद सिंह शेखावत आईपीएस के रूप में हैं। वही अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुष्पा की पत्नी श्री बल्ली के रूप में दिखाई दी है। पुष्पा के दोस्त केशव मेहतो मेह मोडेलु के रूप में जगदीश प्रताप भंडारी और फिल्म में जगपति बाबू भी प्रकाश राज से और कई स्टार दिखाई देंगे। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म की फिल्माने फिल्म की फोटोग्राफी 30 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद में एक टेस्ट शूट के साथ शुरू हुई थी और जनवरी 2023 में विश्वनाथपम में एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया था। मार्च 2023 में कुछ दृश्य बेंगलोर में शूट किए गए थे। अफवाहों फैली की निर्देशक के असंतुष्ट होने के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी, लेकिन बाद में यह झूठी निकली क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से शूटिंग शुरू कर दिया गया था। अप्रैल 2023 में ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कुछ जंगल के दृश्य की शूटिंग की गई है। जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में कास्ट किया गया था। फहाद फासिल मई 2023 में सेट पर शामिल हुए जबकि रश्मिका मंदाना जून 2023 में सेट पर शामिल हुए थे। जून 3 2023 को फिल्म के क्रू कलाकारों को ले जा रही और एक बस बीच विजयवाड़ा हैदराबाद एक्सप्रेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अगस्त 2023 में रामोजी फिल्म सिटी में कुछ दृश्य फिल्माए गए और नवंबर 2023 में हैदराबाद में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया था। दोस्तों दिसंबर 2023 में अल्लू अर्जुन के स्वास्थ्य के कारण निर्माण फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया था। मार्च 2024 में बिजाग और यगंती मंदिर में कुछ दृश्य फिल्माए गए थे। बाद में बताया गया कि निर्माताओं ने अंगमा उत्तरा प्रदर्शन और एक लड़ाई अनुक्रम के लिए 60 करोड़ खर्च किए थे। अप्रैल 2024 में हैदराबाद में एक बड़े पैमाने पर पानी के नीचे का दृश्य फिल्माया गया था। मई 2024 में वह बताया गया कि फिल्म को कोई अंत होंगे और गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्माताओं ने फिल्म सेट पर नो फोन नीति का विकल्प चुना था। जुलाई 2024 में यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच दरार और रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई थी। हालांकि दोस्तों बाद में वो झूठी अफवाह साबित हुई और क्योंकि शूटिंग फिर से हैदराबाद में शूटिंग शुरू हो गई थी। 1990 और सन 2000 के बीच 2000 के दशक और जापान मलेशिया को दर्शाने वाली सेट रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म को फिर से बनाए गए। हालांकि दोस्तों शूटिंग की योजना बैंकॉक मलेशिया और जापान के लोकेशन पर थी, लेकिन फिल्म की बजट और समय की कमी के कारण ऐसी नहीं हो सका। अगस्त 2024 में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म की संगीत
गीत संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है, जबकि गीत चंद्र बोस ने लिखे थे। फिल्म के संगीत अधिकार टी सीरीज ने हासिल किए थे और पुष्पा पुष्पा शीर्षक वाला पहला एकल 1 मई 2024 को रिलीज किया गया था। सुसेकी द कपल संग्स शीर्षक वाला दूसरा एकल 29 मई 2024 को रिलीज किया गया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो इस फिल्म की में 2021 में पुष्पा दराइज फिल्म से पहले फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जिसमें फिल्म के निर्माताओं ने कहा था कि पहला भाग उस साल रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग एक साल बाद 2022 रिलीज होगा। शुरुआत में सीक्वेंस के 10% फुटेज के पहले भाग के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने दर्शकों को प्रत्याशा को पूरा करने और पिछली फिल्म की गलतियों को सुधारने के लिए सीक्वल की कहानी को बदलने का फैसला किया है। फिल्म का स्क्रिप्ट हिंसा जुलाई 2022 तक हैदराबाद में पूरा हो गया था। आधिकारिक शीर्षक पुष्पा टू द रूल की घोषणा 22 अगस्त 2022 को की गई थी। उसी दिन हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक उद्घाटन मुहूर्त पूजा समारोह में आयोजित किया गया था। सुकुमार ने फिल्म की पाठकथा लिखी, जबकि श्रीकांत विशा ने संवादों में योगदान दिया था। सुकुमार ने पिछले भाग में अधिकांश तकनीशियों को बरकरार रखा, जिसमें छायाकार और मिरोलवसल कुब्बा और ब्रेजो संपादक कार्तिका श्रीनिवास ने और रूबेन का कला निर्देशक एस रामकृष्ण और मोनिका गंगोत्री और ध्वनि डिजाइनर रेसुल पुटुक्की और विजय कुमार शामिल है। फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, फहद फासिल, अभिनेत्री रश्मिका मंदना, धनंजय और राव रमेश, सुनील अनसुईया भारद्वाज और अजय घोष पहले भागों के अन्य बचे हुए अभिनेता है और अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, जबकि जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था। दोस्तों बताया गया कि श्री लीला को एक आइटम गीत के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। बाद में यह बताया गया कि दिशा पटानी को यह विशेष गीत के लिए चुना गया और आत्महत्या मामले में जमानत मिलने के बाद जगदीश प्रताप भंडारी फरवरी 2024 में कलाकारों में शामिल हो गए थे। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दिए हैं, जो कि इनके किरदार दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। और इस फिल्म में फहद फासिल, अभिनेत्री रश्मिका मंदना की जोड़ी को दोस्तों दर्शकों देखना बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म। अब यही सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की मच्छा वाटेड मूवी आ रही है, जिसका रिलीज 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। यह अल्लू अर्जुन एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों तेलुगु भाषा की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किए हैं। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से अपनी शुरुआत की और सुकुमार की कल्ट क्लासिक आर्या 2004 में अपने अभिनय करके प्रमुखता में आए थे, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था। उन्होंने एक्शन फिल्म बनी 2005 और देशमुद्रो 2007 से अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है। 2008 की उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पोरुगु में अभिनय किया था, जिसे
के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मी फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु जीता था। अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 2009, वेदम 2010, जुलाई 2012, रेस ग्रूम 2014, एओएसओ सत्यमूर्ति 2015 और रुद्रमावेदी 2015 शामिल है। सारे नायडू 2016 और डी दुवादा जगन्नाथम 2017, अलबे कुंथपुरमुल्लु 2020 और पुष्पा द राइस 2021 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। वेदम ने एक निम्न वर्ग के केबल और अपरेटेस्ट के रूप से और रेस क्रूम में एक लापरवाह सड़क के चतुर व्यक्ति के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं, जिन्होंने रुद्रमावेदी में राजकुमार गुन्ना रेड्डी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। पुष्पदरायस यह इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। बात की जाए दोस्तों अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्मी करियर, इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किए हैं, जिसमें से बेबी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने बद्री की भूमिका निभाई और जो एक आधुनिक भारतीय समुराई है, जिसे इसके गुरु और प्रकाश राज बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है। अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में गहन मार्शल आर्ट और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों 2014 में काजल अग्रवाल के साथ वंशी पेडी पल की एक्शन थ्रिलर फिल्म ये बड्डू में एक कैमियो के रूप में दिखाई दिए थे। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि अल्लू अर्जुन दिखते हैं कि अभिनेता एक छोटी भूमिका में भी क्या कर सकता है, कुछ ही मिनटों में वह अपने अनुभव को समेट लेता है, चरित्र को आतंक करता है और अपनी पहचान खो देने के बावजूद प्रभावशाली ढंग से बाहर निकलता है। उनकी अगली फिल्म सुरेंद्र रेड्डी की रेस ग्रूम थी, जिसमें उन्होंने अल्लू लक्ष्मण लकी प्रसाद नामक एक लापरवाह व्यक्ति की भूमिका निभाई है। वो मई 2013 में फिल्म में निर्माण में शामिल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। अल्लू अर्जुन की पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म थी और डेकन क्रॉनिकल को लिखते हुए सुरेश कवारिनी ने महसूस किया था कि अल्लू अर्जुन अपने उजरवान प्रदर्शन से शो को चुरा लेते हैं। उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल की प्रशंसा की थी और रजनी राजेंद्र ने भी प्रदर्शन से शो को चुरा लेता है। दोस्तों उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल को भी प्रशंसा की और रजनी राजेंद्र ने भी उनके डांस मूल्य कामिंग अभिनय और एक्शन दृश्य में प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन दोस्तों उन्होंने लगा कि कहानी पूरा नियम और रूटीन है। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। और दोस्तों जुलाई के बाद दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार के लिए नामांकित हुए थे। अल्लू अर्जुन ने एक लघु फिल्म आई एम टैड चेंज का निर्माण और अभिनय किया था।
जो अगस्त 2014 में रिलीज हुई थी और फिल्म निर्देशक सुकुमार ने किया था। व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी पर जागरूकता फैलाने के लिए अपने रिलीज के बाद फिल्म को ऑनलाइन व्यावसायिक प्रतिक्रिया मिली थी। अल्लू अर्जुन ने अगली बार थ्री विक्रम श्रीनिवास की एस ओ सत्यमूर्ति 2015 में दिखाई दी, जो 9 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और आलोचकों ने उनके अभिनय की प्रशंसा की थी। फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना सातवां नामांकन दिलाया है। 2016 में यह उन्होंने भायापति श्रीनु द्वारा निर्देशित सारे नेडू में अभिनय किया था। हालांकि यह फिल्म पाठक कथा और कहानी के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने 6 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अल्लू अर्जुन ने इसे अपने कैरियर की एक ऐतिहासिक फिल्म कहा। एक्शन दृश्य में और डांस नंबरों में से उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी और फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता था। इसके अलावा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 8वां नामांकन मिला है। उसी वर्ष जून में उन्होंने डीजे के लिए तीसरी बार निर्माता दिलराज के साथ अपनी अगली फिल्म की घोषणा 2017 में रिलीज हुई थी। हरिशंकर द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें उन्होंने पूजा हेगड़े, राव रमेश और सुब्बराजू के साथ दुवादा जगन्नाथम डीजे शास्त्री की भूमिका निभाई और वह एक कैटर के रूप में दिखाई देते हैं। दिसंबर 2018 में उनके अगले प्रोजेक्ट अल्लाह वैकुंठ पुरमुल्लू की घोषणा की गई थी, जिसके निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया था। पूजा हेगड़े को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। इसी प्रकार डीजे दुबादा जगन्नाथम के बाद हेगड़े के साथ उनका दूसरा सहयोग था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की, तो यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा द राइज टू में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई देने आ रही है। बहुत ही जल्द यह फिल्म को लेकर आ रही है और दर्शकों को इंतजार की घड़ी होने वाली है ख़त्म, क्योंकि दोस्तों यह मूवी पुष्पा टू बहुत ही जल्दी आएगी और इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म अल्लाह वैकुंठ पुरमुल्लू में भी काम किया था। अल्लू अर्जुन के साथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुष्पा पार्ट 1 और पुष्पा पार्ट 2 में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई देने आ रही है। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। 2021 में अपनी पहली रिलीज में रश्मिका मंदाना कन्नड़ ध्रुव सज्जा स्टार पोगारू में एक गुन्नी स्कूल शिक्षक का किरदार निभाया था। डेकन हेराल्ड ने एक ऐसी फिल्म में भूमिका स्वीकार करने के लिए उनकी आलोचना की जो महिलाओं की नीचा दिखाने वाली रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। बॉस की उनकी दूसरी रिलीज में उन्होंने सुल्तान में कार्तिक के साथ तमिल सिनेमा में व्यावसायिक रूप से सफल शुरुआत किया था। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के पुदी पेडी ने सोचा कि रश्मिका मंदाना को दरकिनार कर दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के
एम सुबुद्धा ने उनकी आकर्षक और शुरुआत के लिए प्रशंसा की थी। वर्ष की उनकी अंतिम उपस्थिति समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन अभिनीति थी। यह जिद्दी और लकी की भूमिका के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के करियर में एक महत्वपूर्ण सफलता दर्ज किया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पहचान मिली थी। फिल्म में कैंपेनियन के मुकेश और मंजुनाथ ने पाया है कि उन्होंने इन टेस्ट्रोन चार्ज परिवर्षों में जारी और उद्दशा में मासूमियत की दर्शाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन दोस्तों उन्होंने अफसोस जताया है कि उन्होंने किरदार का बुरा चेहरा और अवसरजनक प्रभावशाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना तब से पुष्पा द राइज में सफलता से रहा उन्हें कई तरह की भूमिकाओं तक पहुंच देने को दिया था। रश्मिका मंदाना यह एक अभिनेत्री है। 2023 में अभिनेत्री ने 3 एक्शन फिल्मों वारिसु, मिशन मजनू और एनिमल में नजर आई थी। बारिश उन्होंने विजय के साथ सह अभिनय किया था, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से आइटम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सुगंध द्वारा उन्हें आर्म कैडी के रूप में खारिज कर दिया था। रश्मिका मंदाना विजय के प्रसिद्धि से मिलने वाली मान्यता के कारण एक छोटी भूमिका होने के बावजूद फिल्म में अपने अभिनय करने का एक संचित विकल्प करार दिया था। वही दोस्तों यह उनके एक ऐसी मूवी है। यह फिल्म रश्मिका मंदाना की अब तक की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म है और तमिल सिनेमा की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म नेटफ्लिक्स की हिंदी जासूसी थ्रिलर मिशन मजनू में रश्मिका मंदाना को सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक दृष्ट बाधित महिला के रूप में देखा गया था और इसने स्ट्रीमिंग में उनकी शुरुआत की और तैयारी में उन्होंने दृष्टि बाधित लोगों को व्यवहार पर अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए गहन कार्यशालाओं में भाग लिया था और उनके साथ उनके दृश्य को दौरान मल्होत्रा की आंखों में न देख पाना चुनौतीपूर्ण पाया था। फिर भी उन्होंने प्रदर्शन को खराब तरीके से प्राप्त किया था और फिल्म को इसे सूचित अनुचित राष्ट्रवादी विचार के कारण आलोचकों द्वारा नकार दिया था। फिल्म एनिमल में संदीप रेड्डी बंगा की विवादास्पद हिंदी एक्शन फिल्म जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में हैं, रश्मिका मंदाना ने एक कर्तव्य परमायन गृहिणी की भूमिका निभाई और जिसे अपने पति के भ्रष्ट व्यवहार के बारे में पता चलाता है। उन्होंने फिल्मांकन के दौरान प्रणीति चोपड़ा की जगह ली और क्योंकि दोस्तों वांगा को लगा कि वह इस भूमिका के लिए बेहतर है। फिल्म की सामग्री ने कुछ टिप्पणीकारों को फिल्म पर विषक्त पुष्पक्त और स्त्री दोष का महिमांड करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता फहाद फासिल या इस फिल्म में इंस्पेक्टर पुलिस का रोल निभा रहे हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फहाद फासिल फफा के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से मलयालम और तमिल फिल्मों में काम करते हैं और अपने विविध
चित्रणों के लिए प्रसिद्ध हैं। फहाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं और सबसे लोकप्रियतम मलयालम अभिनेताओं में से एक हैं। फिल्म निर्माता फाजिल के जन्म फहाद के अपने परिवार की शुरुआत 20 साल की उम्र में अपने पिता 2002 की रोमांटिक फिल्म कैथे थुम और द्रुथम द्रुत से की थी, जो आलोचकों और व्यावसायिक विफलता थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की अभिनय करियर की शुरुआत तो इनकी, फहाद ने अपने अभिनय फिल्मी करियर की शुरुआत किया थी तुरंत 2002 से किया था और उसके बाद 2011 में नजर आए जो कि थ्रिलर फिल्म थी और जिसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मुख्य भूमिका में निभाई थी और चप्पा करिशु में मेरा किरदार अर्जुन एक ऐसा किरदार नहीं है जो किसी अभिनेता को अवसर मिलता है और मैं बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाला हूँ। फहाद ने कहा कि उन्होंने फिल्म में अपनी सह कलाकार और रम्या नंबेसन के साथ एक लंबा चुभन दृश्य फिल्माया है। वह दोस्तों फिल्म पुष्पा 2 में नजर आने वाले हैं और यह पुष्पा 2 में इनकी भूमिका को दर्शकों काफी पसंद कर रहे हैं। 2024 की इनकी पहली फिल्म फहाद ने अवेशम की दयालु मलयाली कन्नाडिंगा और गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने सह निर्माण किया था और यह उनकी पहली अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई थी। इंडिया टुडे के जानने के ने कहा कि गतिशील चरित्र को शानदार ढंग से चित्रित किया था, जबकि विक के निर्मल और जेरियल ने कहा कि वह केवल उन चर्म वर्क्स और भागों में अपना पूर्ण रूप सामने लाते हैं। 20 जनवरी 2014 को उनकी सगाई मलयालम फिल्म अभिनेत्री नजरिया नाजमीन से हुई थी जिसने उन्होंने 21 अगस्त 2014 को त्रिवेदम में शादी किया था। इस जोड़ी को अंजलि मेनन की बैंगलोर डेज 2014 में कास्ट 2014 में पर एक दूसरे को और जानने को मौका मिला था जिसमें उन्होंने पति पत्नी की भूमिका निभाई और फहाद ने खुलासा किया कि उनके माता पिता ने शादी की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फहाद ने खुलासा किया कि उन्होंने एस्टेशन और डेफिसिट हाइपर एक्टिवी और डिसऑर्डर का पता चला था। दोस्तों यह एक ऐसे अभिनेता है जो 2024 की न्यू अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज में पुष्पा 2 में काम कर रहे हैं जिसमें अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म पुष्पा 2 में दिखाई देने आ रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों की हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु भाषा में बनी फिल्म पुष्पा 2 मूवी के, आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पुष्पा 2 मूवी के ऊपर, आज इस फिल्म को चर्चा करेंगे जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों क्या आप फिल्म पुष्पा 2 मूवी का फैन है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिल्म पुष्पा 2 यह एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने अपने बैनर सुकुमार राइटिंग्स के तहत निर्देशित और लिखा है। नवीन यरनेनी और यल्ला मंचिल्ली रविशंकर ने फिल्म की मैत्री मूवीज मेकर्स के बैनर के तहत इसका निर्माण किया है।
फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है, जबकि फहाद फासिल, रश्मिका मंदाना, धनंजय जगदीश प्रताप भंडारी, राव रमेश, अजय, सुनील और अनसुया भदराज सन्मुख और अजय घोष जैसे कलाकार पिछली फिल्म से अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। यह पुष्पा फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। और दोस्तों, पुष्पा द राइज की अगली कड़ी फिल्म के 10% फुटेज को मूल फिल्म के साथ शुरू में बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने कहानी को बदलने का फैसला किया है, जिसके कारण फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और फिल्म को 500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म आज तक की सबसे ज्यादा महंगी बनी तेलुगु फिल्मों में से एक बन रही है। फिल्म को रिलीज 6 दिसंबर 2024 तक रिलीज की तारीख दी है और यह फिल्म का तेलुगु भाषा में बनाई गई है। दोस्तों, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पा राज के किरदार में दिखाई देंगे और फहाद फासिल एसपी मोहम्मद सिंह शेखावत आईपीएस के रूप में हैं। वही अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली के रूप में दिखाई दी है। पुष्पा के दोस्त केशव मेहतो मोडेलू के रूप में जगदीश प्रताप भंडारी और फिल्म में जगपति बाबू भी प्रकाश राज जैसे और कई स्टार दिखाई देंगे। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों, इस फिल्म की फिल्माने फिल्म की फोटोग्राफी 30 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद में एक टेस्ट शूट के साथ शुरू हुई थी और जनवरी 2023 में विश्वनाथपम में एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया था। मार्च 2023 में कुछ दृश्य बेंगलोर में शूट किए गए थे। अफवाहों फैली की निर्देशक के असंतुष्ट होने के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी, लेकिन बाद में यह झूठी निकली क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से शूटिंग शुरू कर दिया गया था। अप्रैल 2023 में ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कुछ जंगल के दृश्य की शूटिंग की गई है। जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में कास्ट किया गया था। फहाद फासिल मई 2023 में सेट पर शामिल हुए, जबकि रश्मिका मंदाना जून 2023 में सेट पर शामिल हुए थे। जून 3 2023 को फिल्म के क्रू कलाकारों को ले जा रही और एक बस बीच विजयवाड़ा हैदराबाद एक्सप्रेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अगस्त 2023 में रामोजी फिल्म सिटी में कुछ दृश्य फिल्माए गए और नवंबर 2023 में हैदराबाद में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया था। दोस्तों, दिसंबर 2023 में अल्लू अर्जुन के स्वास्थ्य के कारण निर्माण फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया था। मार्च 2024 में बिजाग और यगंती मंदिर में कुछ दृश्य फिल्माए गए थे। बाद में बताया गया कि निर्माताओं ने अंगमा उत्तरा प्रदर्शन और एक लड़ाई अनुक्रम के लिए 60 करोड़ खर्च किए थे। अप्रैल 2024 में हैदराबाद में एक बड़े पैमाने पर पानी के नीचे का दृश्य फिल्माया गया था। मई 2024 में वह बताया गया कि फिल्म को कोई अंत होंगे और गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्माताओं ने फिल्म सेट पर नो फोन नीति का विकल्प चुना था। जुलाई 2024 में यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच दरार और रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई थी।
हालांकि दोस्तों बाद में वो झूठी अफवाह साबित हुई और क्योंकि शूटिंग फिर से हैदराबाद में शूटिंग शुरू हो गई थी। 1990 और सन 2000 के बीच 2000 के दशक और जापान मलेशिया को दर्शाने वाले सेट रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म को फिर से बनाए गए। हालांकि दोस्तों शूटिंग की योजना बैंकॉक मलेशिया और जापान के लोकेशन पर थी, लेकिन फिल्म की बजट और समय की कमी के कारण ऐसी नहीं हो सका। अगस्त 2024 में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म की, गीत संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है, जबकि गीत चंद्र बोस ने लिखे थे। फिल्म के संगीत अधिकार टी सीरीज ने हासिल किए थे और पुष्पा शीर्षक वाला पहला एकल 1 मई 2024 को रिलीज किया गया था। सुसेकी द कपल संग्स शीर्षक वाला दूसरा एकल 29 मई 2024 को रिलीज किया गया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो इस फिल्म की में 2021 में पुष्पा दराइज फिल्म से पहले फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जिसमें फिल्म के निर्माताओं ने कहा था कि पहला भाग उस साल रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग एक साल बाद 2022 रिलीज होगा। शुरुआत में सीक्वेंस के 10% फुटेज के पहले भाग के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने दर्शकों को प्रत्याशा को पूरा करने और पिछली फिल्म की गलतियों को सुधारने के लिए सीक्वल की कहानी को बदलने का फैसला किया है। फिल्म का स्क्रिप्ट हिंसा जुलाई 2022 तक हैदराबाद में पूरा हो गया था। आधिकारिक शीर्षक पुष्पा टू द रूल की घोषणा 22 अगस्त 2022 को की गई थी। उसी दिन हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक उद्घाटन मुहूर्त पूजा समारोह में आयोजित किया गया था। सुकुमार ने फिल्म की पटकथा लिखी, जबकि श्रीकांत विशा ने संवादों में योगदान दिया था। सुकुमार ने पिछले भाग में अधिकांश तकनीशियों को बरकरार रखा, जिसमें छायाकार और मिरोलवसल कुब्बा और ब्रेजो संपादक कार्तिका श्रीनिवास ने और रूबेन का कला निर्देशक एस रामकृष्ण और मोनिका गंगोत्री और ध्वनि डिजाइनर रेसुल पुटुक्की और विजय कुमार शामिल है। फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, फहाद फासिल, अभिनेत्री रश्मिका मंदना, धनंजय और राव रमेश, सुनील अनसुईया भारद्वाज और अजय घोष पहले भागों के अन्य बचे हुए अभिनेता है और अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, जबकि जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था। दोस्तों बताया गया कि श्री लीला को एक आइटम गीत के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। बाद में यह बताया गया कि दिशा पटानी को यह विशेष गीत के लिए चुना गया और आत्महत्या मामले में जमानत मिलने के बाद जगदीश प्रताप भंडारी फरवरी 2024 में कलाकारों में शामिल हो गए थे। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा टू में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दिए हैं, जो कि इनके किरदार दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। और इस फिल्म में फहाद फासिल, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की जोड़ी को दोस्तों दर्शकों देखना बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म। अब यही सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की मचावटी मूवी आ रही है, जिसका रिलीज 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है।
यह अल्लू अर्जुन एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किए हैं। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से अपनी शुरुआत की और सुकुमार की कल्ट कल्ला से आर्या 2004 में अपने अभिनय करके प्रमुखता में आए थे, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था। उन्होंने एक्शन फिल्म बनी 2005 और देशमुद्रो 2007 से अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है। 2008 की उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पोरुगु में अभिनय किया था, जिसे के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मी फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु जीता था। अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 2009, वेदम 2010, जुलाई 2012, रेस ग्रूम 2014, एओएसओ सत्यमूर्ति 2015 और रुद्रमावेदी 2015 शामिल है। सारे नेडू 2016 और डी दुवादा जगन्नाथम 2017, अलबेकुंथपुरमुल्लु 2020 और पुष्पा द राइस 2021 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। वेदम ने एक निम्न वर्ग के केबल और अपरेटेस्ट के रूप से और रेस क्रूम में एक लापरवाह सड़क के चतुर व्यक्ति के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं, जिन्होंने रुद्रमावेदी में राजकुमार गुन्ना गुन्ना गन्ना रेड्डी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। पुष्पदरायस यह इससे फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। बात की जाए दोस्तों अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्मी करियर, इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किए हैं, जिसमें से बेबी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने बद्री की भूमिका निभाई और जो एक आधुनिक भारतीय समुराई है, जिसे इसके गुरु और प्रकाश राज बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है। अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में गहन मार्शल आर्ट और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों 2014 में काजल अग्रवाल के साथ वंशी पेडी पल की एक्शन थ्रिलर फिल्म ये बड्डू में एक कैमियो के रूप में दिखाई दिए थे। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि अल्लू अर्जुन दिखते हैं कि अभिनेता एक छोटी भूमिका में भी क्या कर सकता है, कुछ ही मिनटों में वह अपने अनुभव को समेट लेता है, चरित्र को आतंरिक करता है और अपनी पहचान खो देने के बावजूद प्रभावशाली ढंग से बाहर निकलता है। उनकी अगली फिल्म सुरेंद्र रेड्डी की रेस ग्रूम थी, जिसमें उन्होंने अल्लू लक्ष्मण लकी प्रसाद नामक एक लापरवाह व्यक्ति की भूमिका निभाई है। वो मई 2013 में फिल्म में निर्माण में शामिल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। अल्लू अर्जुन की पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म थी और डेकन क्रॉनिकल को लिखते हुए सुरेश कवारिनी ने महसूस किया था कि अल्लू अर्जुन अपने उजरवान प्रदर्शन से शो को चुरा लेते हैं। उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल की प्रशंसा की थी और राजेंद्र ने भी प्रदर्शन से शो को चुरा लेता है। दोस्तों उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल को भी प्रशंसा की और राजेंद्र ने भी उनके डांस मूल्य कमिंग
अभिनय और एक्शन दृश्य में प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन दोस्तों उन्होंने लगा कि कहानी पूर्वानुयम और रूटीन है। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। और दोस्तों जुलाई के बाद दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार के लिए नामांकित हुए थे। अल्लू अर्जुन ने एक लघु फिल्म आई एम टेड चेंज का निर्माण और अभिनय किया था, जो अगस्त 2014 में रिलीज हुई थी और फिल्म निर्देशक सुकुमार ने किया था। व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी पर जागरूकता फैलाने के लिए अपने रिलीज के बाद फिल्म को ऑनलाइन व्यावसायिक प्रतिक्रिया मिली थी। अल्लू अर्जुन ने अगली बार त्रिविक्रम श्रीनिवास की एस ओ सत्यमूर्ति 2015 में दिखाई दी, जो 9 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और आलोचकों ने उनके अभिनय की प्रशंसा की थी। फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना 7वां नामांकन दिलाया है। 2016 में यह उन्होंने भायापति श्रीनु द्वारा निर्देशित सारे नेडू में अभिनय किया था। हालांकि यह फिल्म पटकथा और कहानी के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने 6 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अल्लू अर्जुन ने इसे अपने कैरियर की एक ऐतिहासिक फिल्म कहा। एक्शन दृश्य में और डांस नंबरों में से उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी और फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता था। इसके अलावा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 8वां नामांकन मिला है। उसी वर्ष जून में उन्होंने डीजे के लिए तीसरी बार निर्माता दिलराजु के साथ अपनी अगली फिल्म की घोषणा 2017 में रिलीज हुई थी। हरिशंकर द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें उन्होंने पूजा हेगड़े, राव रमेश और सुब्बराजु के साथ दुवादा जगन्नाथम डीजे शास्त्री की भूमिका निभाई और वह एक कैटर के रूप में दिखाई देते हैं। दिसंबर 2018 में उनके अगले प्रोजेक्ट अल्लाह बैकुंठ पुरमुल्लू की घोषणा की गई थी, जिसके निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया था। पूजा हेगड़े को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। इसी प्रकार डीजे दुबादा जगन्नाथम के बाद हेगड़े के साथ उनका दूसरा सहयोग था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की, तो यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा द राइज़ 2 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई देने आ रही है। बहुत ही जल्द यह फिल्म को लेकर आ रही है और दर्शकों को इंतजार की घड़ी होने वाली है ख़त्म, क्योंकि दोस्तों यह मूवी पुष्पा 2 बहुत ही जल्दी आएगी और इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म अल्लाह बैकुंठ पुरमुल्लू में भी काम किया था। अल्लू अर्जुन के साथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुष्पा पार्ट 1 और पुष्पा पार्ट 2 में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई देने आ रही है। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। 2021 में अपनी पहली रिलीज में रश्मिका मंदाना कन्नड़ ध्रुव सज्जा स्टार पोगारु में एक गुन्नी स्कूल शिक्षक का किरदार निभाया था। डेक्कन हेराल्ड ने
एक ऐसी फिल्म में भूमिका स्वीकार करने के लिए उनकी घोर आलोचना की जो महिलाओं की नीचा दिखाने वाली रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। बॉस की उनकी दूसरी रिलीज में उन्होंने सुल्तान में कार्तिक के साथ तमिल सिनेमा में व्यावसायिक रूप से सफल शुरुआत किया था। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के पुदी पेडी ने सोचा कि रश्मिका मंदाना को दरकिनार कर दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुबुद्धा ने उनकी आकर्षक और शुरुआत के लिए प्रशंसा की थी। बॉस की उनकी अंतिम उपस्थिति समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन अभिनीति थी। यह जिद्दी और लकी की भूमिका के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के करियर में एक महत्वपूर्ण सफलता दर्ज किया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पहचान मिली थी। फिल्म में कैंपेनियन के मुकेश और मंजुनाथ ने पाया है कि उन्होंने इन टेस्ट्रोन चार्ज परिवर्षों में जारी और उद्दशा में मासूमियत की दर्शाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन दोस्तों उन्होंने अफसोस जताया है कि उन्होंने किरदार का बुरा चेहरा और आवश्यकजनक प्रभावशाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना तब से पुष्पा द राइज में सफलता से रहा उन्हें कई तरह की भूमिकाओं तक पहुंच देने को दिया था। रश्मिका मंदाना यह एक अभिनेत्री है। 2023 में अभिनेत्री ने 3 एक्शन फिल्मों वारिसु, मिशन मजनू और एनिमल में नजर आई थी। बारिश उन्होंने विजय के साथ सह अभिनय किया था, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से आइटम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सुगंध द्वारा उन्हें आर्म कैडी के रूप में खारिज कर दिया था। रश्मिका मंदाना विजय के प्रसिद्धि से मिलने वाली मान्यता के कारण एक छोटी भूमिका होने के बावजूद फिल्म में अपने अभिनय करने का एक संचित विकल्प करार दिया था। वही दोस्तों यह उनके एक ऐसी मूवी है। यह फिल्म रश्मिका मंदाना की अब तक की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म है और तमिल सिनेमा की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म नेटफ्लिक्स की हिंदी जासूसी थ्रिलर मिशन मजनू में रश्मिका मंदाना को सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक दृष्ट बाधित महिला के रूप में देखा गया था और इसने स्ट्रीमिंग में उनकी शुरुआत की और तैयारी में उन्होंने दृष्टि बाधित लोगों को व्यवहार पर अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए गहन कार्यशालाओं में भाग लिया था और उनके साथ उनके दृश्य को दौरान मल्होत्रा की आंखों में न देख पाना चुनौतीपूर्ण पाया था। फिर भी उन्होंने प्रदर्शन को खराब तरीके से प्राप्त किया था और फिल्म को इसे सूचित अनुचित राष्ट्रवादी विचार के कारण आलोचकों द्वारा नकार दिया था। फिल्म एनिमल में संदीप रेड्डी बंगा की विवादास्पद हिंदी एक्शन फिल्म जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में हैं, रश्मिका मंदाना ने एक कर्तव्य परमायन गृहिणी की भूमिका निभाई और जिसे अपने पति के भ्रष्ट व्यवहार के बारे में पता चलाता है। उन्होंने फिल्मांकन के दौरान प्रणीति चोपड़ा की जगह ली और क्योंकि दोस्तों वांगा को लगा कि वह इस भूमिका के लिए बेहतर है। फिल्म की सामग्री ने कुछ टिप्पणीकारों
कोफिलम पर विश्वक्त पुष्पक्त और स्त्री दोष का महिमांड करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता फहाद फासिल का, इस फिल्म में इंस्पेक्टर पुलिस का रोल निभा रहे हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फहाद फासिल फफा के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से मलयालम और तमिल फिल्मों में काम करते हैं और अपने विविध चित्रणों के लिए प्रसिद्ध हैं। फहाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं और सबसे लोकप्रियतम मलयालम अभिनेताओं में से एक हैं। फिल्म निर्माता फाजिल के जन्म फहाद के अपने परिवार की शुरुआत 20 साल की उम्र में अपने पिता 2002 की रोमांटिक फिल्म कैथेथुम और द्रुथ से की थी जो आलोचकों और व्यावसायिक विफलता थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की अभिनय करियर की शुरुआत तो इनकी, फहाद ने अपने अभिनय फिल्मी करियर की शुरुआत किया थी तुरंत 2002 से किया था और उसके बाद 2011 में नजर आए जो कि थ्रिलर फिल्म थी और जिसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मुख्य भूमिका में निभाई थी और चप्पा करीशु में मेरा किरदार अर्जुन एक ऐसा किरदार नहीं है जो किसी अभिनेता को अवसर मिलता है और मैं बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाला हूँ। फहाद ने कहा कि उन्होंने फिल्म में अपनी सह कलाकार और रम्या नंबेसन के साथ एक लंबा चुभन दृश्य फिल्माया है। वह दोस्तों फिल्म पुष्पा 2 में नजर आने वाले हैं और यह पुष्पा 2 में इनकी भूमिका को दर्शकों काफी पसंद कर रहे हैं। 2024 की इनकी पहली फिल्म फहाद ने अवेशम की दयालु मलयाली कन्नाडिंगा और गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने सह निर्माण किया था और यह उनकी पहली अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई थी। इंडिया टुडे के जानने के ने कहा कि गतिशील चरित्र को शानदार ढंग से चित्रित किया था जबकि विक के निर्मल और जेरियल ने कहा कि वह केवल उन चर्म वर्क्स और भागों में अपना पूर्ण रूप सामने लाते हैं। 20 जनवरी 2014 को उनकी सगाई मलयालम फिल्म अभिनेत्री नजरिया नाजमीन से हुई थी जिसने उन्होंने 21 अगस्त 2014 को त्रिवेदम में शादी किया था। इस जोड़ी को अंजलि मेनन की बैंगलोर डेज 2014 में पर एक दूसरे को और जानने को मौका मिला था जिसमें उन्होंने पति पत्नी की भूमिका निभाई और फहाद ने खुलासा किया कि उनके माता पिता ने शादी की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फहाद ने खुलासा किया कि उन्होंने एस्टेशन और डेफिसिट हाइपर एक्टिवी और डिसऑर्डर का पता चला था। दोस्तों यह एक ऐसे अभिनेता है जो 2024 की न्यू अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 में काम कर रहे हैं जिसमें अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म पुष्पा 2 में दिखाई देने आ रही है। पुष्पा 2 मूवी के ऊपर आज इस फिल्म को चर्चा करेंगे जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों क्या आप फिल्म पुष्पा 2 मूवी का फैन है तो इस वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिल्म पुष्पा 2 यह एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है
जिसे सुकुमार ने अपने बैनर सुकुमार राइटिंग्स के तहत निर्देशित और लिखा है। नवीन यरनेनी और यल्ला मंचिल्ली रविशंकर ने फिल्म की मैत्री मूवीज मेकर्स के बैनर के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है, जबकि फहाद फासिल, रश्मिका मंदाना, धनंजय जगदीश प्रताप भंडारी, राव रमेश, अजय, सुनील और अनसुया भद्राज सन्मुख और अजय घोष जैसे कलाकार पिछली फिल्म से अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। यह पुष्पा फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। और दोस्तों, पुष्पा द राइज की अगली कड़ी फिल्म के 10% फुटेज को मूल फिल्म के साथ शुरू में बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने कहानी को बदलने का फैसला किया है, जिसके कारण फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और फिल्म को 500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म आज तक की सबसे ज़्यादा महंगी बने तेलुगु फिल्मों में से एक बन रही है। फिल्म को रिलीज 6 दिसंबर 2024 तक रिलीज की तारीख दी है और यह फिल्म का तेलुगु भाषा में बनाई गई है। दोस्तों, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पा राज के किरदार में दिखाई देंगे और फहाद फासिल एसपी मोहम्मद सिंह शेखावत आईपीएस के रूप में हैं। वही अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुष्पा की पत्नी श्री बल्ली के रूप में दिखाई दी है। पुष्पा के दोस्त केशव मेहतो मोडेलू के रूप में जगदीश प्रताप भंडारी और फिल्म में जगपति बाबू भी प्रकाश राज से और कई स्टार दिखाई देंगे। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों, इस फिल्म की फिल्माने फिल्म की फोटोग्राफी 30 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद में एक टेस्ट शूट के साथ शुरू हुई थी और जनवरी 2023 में विश्वनाथपम में एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया था। मार्च 2023 में कुछ दृश्य बेंगलोर में शूट किए गए थे। अफवाहों फैली की निर्देशक के असंतुष्ट होने के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी, लेकिन बाद में यह झूठी निकली क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से शूटिंग शुरू कर दिया गया था। अप्रैल 2023 में ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कुछ जंगल के दृश्य की शूटिंग की गई है। जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में कास्ट किया गया था। फहाद फासिल मई 2023 में सेट पर शामिल हुए, जबकि रश्मिका मंदाना जून 2023 में सेट पर शामिल हुए थे। जून 2023 को फिल्म के क्रू कलाकारों को ले जा रही और एक बस बीच विजयवाड़ा हैदराबाद एक्सप्रेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अगस्त 2023 में रामोजी फिल्म सिटी में कुछ दृश्य फिल्माए गए और नवंबर 2023 में हैदराबाद में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया था। दोस्तों, दिसंबर 2023 में अल्लू अर्जुन के स्वास्थ्य के कारण निर्माण फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया था। मार्च 2024 में बिजाग और यगंती मंदिर में कुछ दृश्य फिल्माए गए थे। बाद में बताया गया कि निर्माताओं ने अंगमा उत्तरा प्रदर्शन और एक लड़ाई अनुक्रम के लिए 60 करोड़ खर्च किए थे। अप्रैल 2024 में हैदराबाद में एक बड़े पैमाने पर पानी के नीचे का दृश्य फिल्माया गया था। मई 2024 में वह बताया गया कि फिल्म को कोई अंत होंगे और गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्माताओं ने फिल्म सेट पर नो फोन नीति का विकल्प चुना था।
जुलाई 2024 में यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच दरार और रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई थी। हालांकि दोस्तों बाद में वो झूठी अफवाह साबित हुई और क्योंकि शूटिंग फिर से हैदराबाद में शूटिंग शुरू हो गई थी। 1990 और सन 2000 के बीच 2000 के दशक और जापान मलेशिया को दर्शाने वाली सेठ रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म को फिर से बनाए गए। हालांकि दोस्तों शूटिंग की योजना बैंकॉक मलेशिया और जापान के लोकेशन पर थी, लेकिन फिल्म की बजट और समय की कमी के कारण ऐसी नहीं हो सका। अगस्त 2024 में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म की, गीत संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है, जबकि गीत चंद्र बोस ने लिखे थे। फिल्म के संगीत अधिकार टी सीरीज ने हासिल किए थे और पुष्पा शीर्षक वाला पहला एकल 1 मई 2024 को रिलीज किया गया था। सुसेकी द कपल संग्स शीर्षक वाला दूसरा एकल 29 मई 2024 को रिलीज किया गया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो इस फिल्म की में 2021 में पुष्पा दराइज फिल्म से पहले फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जिसमें फिल्म के निर्माताओं ने कहा था कि पहला भाग उस साल रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग एक साल बाद 2022 रिलीज होगा। शुरुआत में सीक्वेंस के 10% फुटेज के पहले भाग के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने दर्शकों को प्रत्याशा को पूरा करने और पिछली फिल्म की गलतियों को सुधारने के लिए सीक्वल की कहानी को बदलने का फैसला किया है। फिल्म का स्क्रिप्ट हिंसा जुलाई 2022 तक हैदराबाद में पूरा हो गया था। आधिकारिक शीर्षक पुष्पा टू द रूल की घोषणा 22 अगस्त 2022 को की गई थी। उसी दिन हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक उद्घाटन मुहूर्त पूजा समारोह में आयोजित किया गया था। सुकुमार ने फिल्म की पटकथा लिखी, जबकि श्रीकांत विशा ने संवादों में योगदान दिया था। सुकुमार ने पिछले भाग में अधिकांश तकनीशियों को बरकरार रखा, जिसमें छायाकार और मिरोलवसल कुब्बा और ब्रेजो संपादक कार्तिका श्रीनिवास ने और रुबेन का कला निर्देशक एस रामकृष्ण और मोनिका गंगोत्री और ध्वनि डिजाइनर रेसुल पुटुक्की और विजय कुमार शामिल है। फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, फहाद फासिल, अभिनेत्री रश्मिका मंदना, धनंजय और राव रमेश, सुनील अनसुईया भारद्वाज और अजय घोष पहले भागों के अन्य बचे हुए अभिनेता है और अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, जबकि जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था। दोस्तों बताया गया कि श्री लीला को एक आइटम गीत के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। बाद में यह बताया गया कि दिशा पटानी को यह विशेष गीत के लिए चुना गया और आत्महत्या मामले में जमानत मिलने के बाद जगदीश प्रताप भंडारी फरवरी 2024 में कलाकारों में शामिल हो गए थे। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दिए हैं, जो कि इनके किरदार दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं
और इस फिल्म में फहाद फासिल अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की जोड़ी को दोस्तों दर्शकों देखना बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म। अब यही सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की मच आउटेड मूवी आ रही है जिसका रिलीज 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। यह अल्लू अर्जुन एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किए हैं। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से अपनी शुरुआत की और सुकुमार की कल्ट क्लासिक आर्या 2004 में अपने अभिनय करके प्रमुखता में आए थे जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था। उन्होंने एक्शन फिल्म बनी 2005 और देशमुद्रो 2007 से अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है। 2008 की उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पोरुगु में अभिनय किया था जिसे के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मी फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु जीता था। अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 2009, वेदम 2010, जुलाई 2012, रेस ग्रूम 2014, एओएसओ सत्यमूर्ति 2015 और रुद्रमावेदी 2015 शामिल है। सारे नेडू 2016 और डी दुवादा जगन्नाथम 2017, अलबे कुंथपुरमुल्लु 2020 और पुष्पा द राइस 2021 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। वेदम ने एक निम्न वर्ग के केबल और अप्रेटेस्ट के रूप से और रेस्क्रूम में एक लापरवाह सड़क के चतुर व्यक्ति के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं जिन्होंने रुद्रमावेदी में राजकुमार गुन्ना रेड्डी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। पुष्पा राइस या इससे फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। बात की जाए दोस्तों अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्मी करियर, इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किए हैं जिसमें से बेबी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में दिखाई दिए थे जिसमें उन्होंने बद्री की भूमिका निभाई और जो एक आधुनिक भारतीय समुराई है जिसे इसके गुरु और प्रकाश राज बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है। अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में गहन मार्शल आर्ट और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों 2014 में काजल अग्रवाल के साथ वंशी पेडिपल्ली की एक्शन थ्रिलर फिल्म ये बड्डू में एक कैमियो के रूप में दिखाई दिए थे। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि अल्लू अर्जुन दिखते हैं कि अभिनेता एक छोटी भूमिका में भी क्या कर सकता है, कुछ ही मिनटों में वह अपने अनुभव को समेट लेता है, चरित्र को आतंक करता है और अपनी पहचान खो देने के बावजूद प्रभावशाली ढंग से बाहर निकलता है। उनकी अगली फिल्म सुरेंद्र रेड्डी की रेस ग्रूम थी जिसमें उन्होंने अल्लू लक्ष्मण लकी प्रसाद नामक एक लापरवाह व्यक्ति की भूमिका निभाई है। वो मई 2013 में फिल्म में निर्माण में शामिल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। अल्लू अर्जुन की पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म थी और डेकन क्रॉनिकल को लिखते हुए सुरेश कवारिनी ने महसूस किया था कि अल्लू अर्जुन अपने उजरवान प्रदर्शन से शो को चुरा लेते हैं
उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल की प्रशंसा की थी और राजेंद्र ने भी प्रदर्शन से शो को चुरा लेता है। दोस्तों उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल को भी प्रशंसा की और राजेंद्र ने भी उनके डांस मूल्य कामिंग अभिनय और एक्शन दृश्य में प्रदर्शन की प्रशंसा की। लेकिन दोस्तों उन्होंने लगा कि कहानी पूर्वानुयम और रूटीन है। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। और दोस्तों जुलाई के बाद दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार के लिए नामांकित हुए थे। अल्लू अर्जुन ने एक लघु फिल्म आई एम टैड चेंज का निर्माण और अभिनय किया था जो अगस्त 2014 में रिलीज हुई थी और फिल्म निर्देशक सुकुमार ने किया था। व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी पर जागरूकता फैलाने के लिए अपने रिलीज के बाद फिल्म को ऑनलाइन व्यवसायिक प्रतिक्रिया मिली थी। अल्लू अर्जुन ने अगली बार श्री विक्रम श्रीनिवास की एस ओ सत्यमूर्ति 2015 में दिखाई दी जो 9 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और आलोचकों ने उनके अभिनय की प्रशंसा की थी। फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना 7वां नामांकन दिलाया है। 2016 में यह उन्होंने भायापति श्रीनु द्वारा निर्देशित सारे नेडू में अभिनय किया था। हालांकि यह फिल्म पटकथा और कहानी के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने 6 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अल्लू अर्जुन ने इसे अपने कैरियर की एक ऐतिहासिक फिल्म कहा। एक्शन दृश्य में और डांस नंबरों में से उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी और फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता था। इसके अलावा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 8वां नामांकन मिला है। उसी वर्ष जून में उन्होंने डीजे के लिए तीसरी बार निर्माता दिलराजु के साथ अपनी अगली फिल्म की घोषणा 2017 में रिलीज हुई थी। हरिशंकर द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें उन्होंने पूजा हेगड़े राव रमेश और सुब्बाराजु के साथ दुवादा जगन्नाथम डीजे शास्त्री की भूमिका निभाई और वह एक कैटर के रूप में दिखाई देते हैं। दिसंबर 2018 में उनके अगले प्रोजेक्ट अल्लाह वैकुंठ पुरमुल्लु की घोषणा की गई थी जिसके निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया था। पूजा हेगड़े को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। इसी प्रकार डीजे दुबादा जगन्नाथम के बाद हेगड़े के साथ उनका दूसरा सहयोग था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की तो यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा द राइज 2 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई देने आ रही है। बहुत ही जल्द यह फिल्म को लेकर आ रही है और दर्शकों को इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म, क्योंकि दोस्तों यह मूवी पुष्पा 2 बहुत ही जल्दी आएगी और इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म अल्लाह वैकुंठ पुरमुल्लु में भी काम किया था। अल्लू अर्जुन के साथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुष्पा पार्ट 1 और पुष्पा पार्ट 2 में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई देने आ रही है।
यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। 2021 में अपनी पहली रिलीज में रश्मिका मंदाना कन्नड़ ध्रुव सज्जा स्टार पोगारू में एक गुणी स्कूल शिक्षिका का किरदार निभाया था। डेक्कन हेराल्ड ने एक ऐसी फिल्म में भूमिका स्वीकार करने के लिए उनकी घोर आलोचना की जो महिलाओं की नीचा दिखाने वाली रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। बॉस की उनकी दूसरी रिलीज में उन्होंने सुल्तान में कार्तिक के साथ तमिल सिनेमा में व्यावसायिक रूप से सफल शुरुआत किया था। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के पुदी पेडी ने सोचा कि रश्मिका मंदाना को दरकिनार कर दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुबुद्ध ने उनकी आकर्षक और शुरुआत के लिए प्रशंसा की थी। वर्ष की उनकी अंतिम उपस्थिति समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन अभिनीत थी। यह जिद्दी और लकी की भूमिका के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के करियर में एक महत्वपूर्ण सफलता दर्ज किया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पहचान मिली थी। फिल्म में कैंपेनियन के मुकेश और मंजुनाथ ने पाया है कि उन्होंने इन टेस्ट्रोन चार्ज और परिवर्षों में जारी और उत्तरसा में मासूमियत की दर्शाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन दोस्तों उन्होंने अफसोस जताया है कि उन्होंने किरदार का बुरा चेहरा और आवश्यकजनक प्रभावशाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना तब से पुष्पा द राइज में सफलता से उन्हें कई तरह की भूमिकाओं तक पहुंच देने को दिया था। रश्मिका मंदाना यह एक अभिनेत्री है। 2023 में अभिनेत्री ने 3 एक्शन फिल्मों वारिसु, मिशन मजनू और एनिमल में नजर आई थी। बारिश उन्होंने विजय के साथ सह अभिनय किया था, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से आइटम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सुगंध द्वारा उन्हें आर्म कैडी के रूप में खारिज कर दिया था। रश्मिका मंदाना विजय की प्रसिद्धि से मिलने वाली मान्यता के कारण एक छोटी भूमिका होने के बावजूद फिल्म में अपने अभिनय करने का एक संचित विकल्प करार दिया था। वही दोस्तों यह उनके एक ऐसी मूवी है। यह फिल्म रश्मिका मंदाना की अब तक की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म है और तमिल सिनेमा की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म नेटफ्लिक्स की हिंदी जासूसी थ्रिलर मिशन मजनू में रश्मिका मंदाना को सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक दृष्ट बाधित महिला के रूप में देखा गया था और इसने स्ट्रीमिंग में उनकी शुरुआत की और तैयारी में उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों को व्यवहार पर अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए गहन कार्यशालाओं में भाग लिया था और उनके साथ उनके दृश्य को दौरान मल्होत्रा की आंखों में न देख पाना चुनौतीपूर्ण पाया था। फिर भी उन्होंने प्रदर्शन को खरा तरीके से प्राप्त किया था और फिल्म को इसे सूचित अनुचित राष्ट्रवादी विचार के कारण आलोचकों द्वारा नकार दिया था। फिल्म एनिमल में संदीप रेड्डी बंगा की विवादास्पद हिंदी एक्शन फिल्म जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में है। रश्मिका मंदाना ने एक कर्तव्य परमायन ग्रेनी की भूमिका निभाई और जिसे अपने
पति के भ्रष्ट व्यवहार के बारे में पता चलाता है। उन्होंने फिल्मांकन के दौरान प्रणीति चोपड़ा की जगह ली और क्योंकि दोस्तों वांगा को लगा कि वह इस भूमिका के लिए बेहतर है। फिल्म की सामग्री ने कुछ टिप्पणीकारों को फिल्म पर विषक्त, पुष्पक्त और स्त्री दोष का महिमांड करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता फहाद फासिल का, इस फिल्म में इंस्पेक्टर पुलिस का रोल निभा रहे हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फहाद फासिल फफा के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से मलयालम और तमिल फिल्मों में काम करते हैं और अपने विविध चित्रणों के लिए प्रसिद्ध हैं। फहाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं और सबसे लोकप्रियतम मलयालम अभिनेताओं में से एक हैं। फिल्म निर्माता फाजिल के जन्म फहाद के अपने परिवार की शुरुआत 20 साल की उम्र में अपने पिता 2002 की रोमांटिक फिल्म कैथे थुम और द्रुथम द्रुथ से की थी जो आलोचकों और व्यावसायिक विफलता थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की अभिनय करियर की शुरुआत तो इनकी फहाद ने अपने अभिनय फिल्मी करियर की शुरुआत किया थी तुरंत 2002 से किया था और उसके बाद 2011 में नजर आए जो कि थ्रिलर फिल्म थी और जिसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मुख्य भूमिका में निभाई थी और चप्पा करीशु में मेरा किरदार अर्जुन एक ऐसा किरदार नहीं है जो किसी अभिनेता को अवसर मिलता है और मैं बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाला हूँ। फहाद ने कहा कि उन्होंने फिल्म में अपनी सह कलाकार और रम्या नंबेसन के साथ एक लंबा चुभन दृश्य फिल्माया है। वह दोस्तों फिल्म पुष्पा 2 में नजर आने वाले हैं और यह पुष्पा 2 में इनकी भूमिका को दर्शकों काफी पसंद कर रहे हैं। 2024 की इनकी पहली फिल्म फहाद ने अवेशम की दयालु मलयाली कन्नाडिंगा और गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने सह निर्माण किया था और यह उनकी पहली अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई थी। इंडिया टुडे के जाननीके ने कहा कि गतिशील चरित्र को शानदार ढंग से चित्रित किया था जबकि विक के निर्मल और जेवियल ने कहा कि वह केवल उन चर्म वर्क्स और भागों में अपना पूर्ण रूप सामने लाते हैं। 20 जनवरी 2014 को उनकी सगाई मलयालम फिल्म अभिनेत्री नजरिया नाजमीन से हुई थी जिसने उन्होंने 21 अगस्त 2014 को त्रिवेदम में शादी किया था। इस जोड़ी को अंजलि मेनन की बैंगलोर डेज 2014 में कास्ट 2014 में पर एक दूसरे को और जानने को मौका मिला था जिसमें उन्होंने पति पत्नी की भूमिका निभाई और फहाद ने खुलासा किया कि उनके माता पिता ने शादी की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फहाद ने खुलासा किया कि उन्होंने एस्टेशन और डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर का पता चला था। दोस्तों यह एक ऐसे अभिनेता है जो 2024 की न्यू अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज में पुष्पा 2 में काम कर रहे हैं। पुष्पा 2 मूवी के ऊपर आज इस फिल्म को चर्चा करेंगे जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर हुए हैं।
दोस्तों क्या आप फिल्म पुष्पा 2 मूवी का फैन है तो इस वीडियो को जरूर देखें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिल्म पुष्पा 2 यह एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने अपने बैनर सुकुमार राइटिंग्स के तहत निर्देशित और लिखा है। नवीन यरनेनी और यल्ला मंचिल्ली रविशंकर ने फिल्म की मैत्री मूवीज मेकर्स के बैनर के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है, जबकि फहाद फासिल, रश्मिका मंदना, धनंजय जगदीश प्रताप भंडारी, राव रमेश, अजय, सुनील और अनसुया भद्राज सन्मुख और अजय घोष जैसे कलाकार पिछली फिल्म से अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। यह पुष्पा फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। और दोस्तों पुष्पा द राइज की अगली कड़ी फिल्म के 10% फुटेज को मूल फिल्म के साथ शुरू में बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने कहानी को बदलने का फैसला किया है, जिसके कारण फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और फिल्म को 500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म आज तक की सबसे ज्यादा महंगी बने तेलुगु फिल्मों में से एक बन रही है। फिल्म को रिलीज 6 दिसंबर 2024 तक रिलीज की तारीख दी है और यह फिल्म का तेलुगु भाषा में बनाई गई है। दोस्तों इस फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पराज के किरदार में दिखाई देंगे और फहाद फासिल एसपी मोहम्मद सिंह शेखावत आईपीएस के रूप में हैं। वही अभिनेत्री रश्मिका मंदना पुष्पा की पत्नी श्री बल्ली के रूप में दिखाई दी है। पुष्पा के दोस्त केशव महतू में मोडेलू के रूप में जगदीश प्रताप भंडारी और फिल्म में जगपति बाबू भी प्रकाश राज जैसे और कई स्टार दिखाई देंगे। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म की फोटोग्राफी 30 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद में एक टेस्ट शूट के साथ शुरू हुई थी और जनवरी 2023 में विश्वनाथपम में एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया था। मार्च 2023 में कुछ दृश्य बेंगलोर में शूट किए गए थे। अफवाहों फैली कि निर्देशक के असंतुष्ट होने के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी, लेकिन बाद में यह झूठी निकली क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से शूटिंग शुरू कर दिया गया था। अप्रैल 2023 में ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कुछ जंगल के दृश्य की शूटिंग की गई है। जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में कास्ट किया गया था। फहाद फासिल मई 2023 में सेट पर शामिल हुए, जबकि रश्मिका मंदना जून 2023 में सेट पर शामिल हुए थे। जून 2023 को फिल्म के क्रू कलाकारों को ले जा रही और एक बस बीच विजयवाड़ा हैदराबाद एक्सप्रेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अगस्त 2023 में रामोजी फिल्म सिटी में कुछ दृश्य फिल्माए गए और नवंबर 2023 में हैदराबाद में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया था। दोस्तों दिसंबर 2023 में अल्लू अर्जुन के स्वास्थ्य के कारण निर्माण फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया था। मार्च 2024 में बिजाग और यगंती मंदिर में कुछ दृश्य फिल्माए गए थे। बाद में बताया गया कि निर्माताओं ने अंगमा उत्तरा प्रदर्शन और एक लड़ाई अनुक्रम के लिए 60 करोड़ खर्च किए थे। अप्रैल 2024 में हैदराबाद में एक बड़े पैमाने पर पानी के नीचे का दृश्य फिल्माया गया था। मई 2024 में
वह बताया गया कि फिल्म को कोई अंत होंगे और गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्माताओं ने फिल्म सेट पर नो फोन नीति का विकल्प चुना था। जुलाई 2024 में यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच दरार और रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई थी। हालांकि दोस्तों बाद में वो झूठी अफवाह साबित हुई और क्योंकि शूटिंग फिर से हैदराबाद में शूटिंग शुरू हो गई थी। 1990 और सन 2000 के दशक और जापान मलेशिया को दर्शाने वाले सेट रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म को फिर से बनाए गए। हालांकि दोस्तों शूटिंग की योजना बैंकॉक मलेशिया और जापान के लोकेशन पर थी, लेकिन फिल्म की बजट और समय की कमी के कारण ऐसी नहीं हो सका। अगस्त 2024 में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म की, गीत संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है, जबकि गीत चंद्र बोस ने लिखे थे। फिल्म के संगीत अधिकार टी सीरीज ने हासिल किए थे और पुष्पा शीर्षक वाला पहला एकल 1 मई 2024 को रिलीज किया गया था। सुसेकी द कपल संग्स शीर्षक वाला दूसरा एकल 29 मई 2024 को रिलीज किया गया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो इस फिल्म की में 2021 में पुष्पा दराइज फिल्म से पहले फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जिसमें फिल्म के निर्माताओं ने कहा था कि पहला भाग उस साल रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग एक साल बाद 2022 रिलीज होगा। शुरुआत में सीक्वेंस के 10% फुटेज के पहले भाग के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने दर्शकों को प्रत्याशा को पूरा करने और पिछली फिल्म की गलतियों को सुधारने के लिए सीक्वल की कहानी को बदलने का फैसला किया है। फिल्म का स्क्रिप्ट हिस्सा जुलाई 2022 तक हैदराबाद में पूरा हो गया था। आधिकारिक शीर्षक पुष्पा टू द रूल की घोषणा 22 अगस्त 2022 को की गई थी। उसी दिन हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक उद्घाटन मुहूर्त पूजा समारोह में आयोजित किया गया था। सुकुमार ने फिल्म की पटकथा लिखी, जबकि श्रीकांत विशा ने संवादों में योगदान दिया था। सुकुमार ने पिछले भाग में अधिकांश तकनीशियों को बरकरार रखा, जिसमें छायाकार और मिरोलवसल कुब्बा और ब्रेजो संपादक कार्तिका श्रीनिवास ने और रूबेन का कला निर्देशक एस रामकृष्ण और मोनिका गंगोत्री और ध्वनि डिजाइनर रेसुल पुटुक्की और विजय कुमार शामिल है। फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, फहाद फासिल, अभिनेत्री रश्मिका मंदना, धनंजय और राव रमेश, सुनील अनसुईया भारद्वाज और अजय घोष पहले भागों के अन्य बचे हुए अभिनेता है और अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, जबकि जगपति बाबू को अप्रैल 2023 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था। दोस्तों बताया गया कि श्री लीला को एक आइटम गीत के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। बाद में यह बताया गया कि दिशा पटानी को यह विशेष गीत के लिए चुना गया और आत्महत्या मामले में जमानत मिलने के बाद जगदीश प्रताप भंडारी फरवरी 2024 में कलाकारों में शामिल हो गए थे।
बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दिए हैं, जो कि इनके किरदार दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। और इस फिल्म में फहाद फासिल अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की जोड़ी को दोस्तों दर्शकों देखना बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म। अब यही सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की मोस्ट वांटेड मूवी आ रही है, जिसका रिलीज 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। यह अल्लू अर्जुन एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किए हैं। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से अपनी शुरुआत की और सुकुमार की कल्ट क्लासिक आर्या 2004 में अपने अभिनय करके प्रमुखता में आए थे, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था। उन्होंने एक्शन फिल्म बनी 2005 और देशमुद्रो 2007 से अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है। 2008 की उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पोरुगु में अभिनय किया था, जिसे के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मी फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु जीता था। अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 2009, वेदम 2010, जुलाई 2012, रेस ग्रूम 2014, एओएसओ सत्यमूर्ति 2015 और रुद्रमावेदी 2015 शामिल है। सारे नेडू 2016 और डी दुवादा जगन्नाथम 2017, अलबे कुंथपुरमुल्लु 2020 और पुष्पा द राइस 2021 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। वेदम ने एक निम्न वर्ग के केबल और अप्रेटेस्ट के रूप से और रेस क्रूम में एक लापरवाह सड़क के चतुर व्यक्ति के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं, जिन्होंने रुद्रमावेदी में राजकुमार गुन्ना रेड्डी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। पुष्पा राय या इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। बात की जाए दोस्तों अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्मी करियर, इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किए हैं, जिसमें से बेबी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने बद्री की भूमिका निभाई और जो एक आधुनिक भारतीय समुराई है, जिसे इसके गुरु और प्रकाश राज बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है। अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में गहन मार्शल आर्ट और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों 2014 में काजल अग्रवाल के साथ वंशी पेडी पल की एक्शन थ्रिलर फिल्म ये बड्डू में एक कैमियो के रूप में दिखाई दिए थे। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि अल्लू अर्जुन दिखते हैं कि अभिनेता एक छोटी भूमिका में भी क्या कर सकता है, कुछ ही मिनटों में वह अपने अनुभव को समेट लेता है, चरित्र को आतंक कहता करता है और अपनी पहचान खो देने के बावजूद प्रभावशाली ढंग से बाहर निकलता है। उनकी अगली फिल्म सुरेंद्र रेड्डी की रेस ग्रूम थी, जिसमें उन्होंने अल्लू लक्ष्मण लकी प्रसाद नामक एक लापरवाह व्यक्ति की भूमिका निभाई है। वो मई 2013 में फिल्म में निर्माण में शामिल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। अल्लू अर्जुन की पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म
और डेकन क्रॉनिकल को लिखते हुए सुरेश कवारिनी ने महसूस किया था कि अल्लू अर्जुन अपने उजरवान प्रदर्शन से शो को चुरा लेते हैं। उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल की प्रशंसा की थी और राजेंद्र ने भी प्रदर्शन से शो को चुरा लेता है। दोस्तों उन्होंने फिल्म में उनके नृत्य कौशल को भी प्रशंसा की और राजेंद्र ने भी उनके डांस मूल्य कामिंग अभिनय और एक्शन दृश्य में प्रदर्शन की प्रशंसा की। लेकिन दोस्तों उन्होंने लगा कि कहानी पूर्वानुयम और रूटीन है। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए अपना तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। और दोस्तों जुलाई के बाद दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार के लिए नामांकित हुए थे। अल्लू अर्जुन ने एक लघु फिल्म आई एम टेड चेंज का निर्माण और अभिनय किया था जो अगस्त 2014 में रिलीज हुई थी और फिल्म निर्देशक सुकुमार ने किया था। व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी पर जागरूकता फैलाने के लिए अपने रिलीज के बाद फिल्म को ऑनलाइन व्यावसायिक प्रतिक्रिया मिली थी। अल्लू अर्जुन ने अगली बार थ्री विक्रम श्रीनिवास की एस ओ सत्यमूर्ति 2015 में दिखाई दी जो 9 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और आलोचकों ने उनके अभिनय की प्रशंसा की थी। फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना 7वां नामांकन दिलाया है। 2016 में यह उन्होंने भायापति श्रीनु द्वारा निर्देशित सारेनेडु में अभिनय किया था। हालांकि यह फिल्म पटकथा और कहानी के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने 6 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। अल्लू अर्जुन ने इसे अपने कैरियर की एक ऐतिहासिक फिल्म कहा। एक्शन दृश्य में और डांस नंबरों में से उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी और फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता था। इसके अलावा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 8वां नामांकन मिला है। उसी वर्ष जून में उन्होंने डीजे के लिए तीसरी बार निर्माता दिलराजु के साथ अपनी अगली फिल्म की घोषणा 2017 में रिलीज हुई थी। हरिशंकर द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें उन्होंने पूजा हेगड़े राव रमेश और सुब्बराजु के साथ दुवादा जगन्नाथम डीजे शास्त्री की भूमिका निभाई और वह एक कैटर के रूप में दिखाई देते हैं। दिसंबर 2018 में उनके अगले प्रोजेक्ट अल्लाह वैकुंठ पुरमुल्लू की घोषणा की गई थी जिसके निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया था। पूजा हेगड़े को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। इसी प्रकार डीजे दुबादा जगन्नाथम के बाद हेगड़े के साथ उनका दूसरा सहयोग था। और बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की तो यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा द राइज 2 में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई देने आ रही है। बहुत ही जल्द यह फिल्म को लेकर आ रही है और दर्शकों को इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म, क्योंकि दोस्तों यह मूवी पुष्पा 2 बहुत ही जल्दी आएगी और इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म अल्लाह वैकुंठ पुरमुल्लू में भी काम किया था।
अल्लू अर्जुन के साथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुष्पा पार्ट वन और पुष्पा पार्ट टू में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई देने आ रही है। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। 2021 में अपनी पहली रिलीज में रश्मिका मंदाना कन्नड़ ध्रुव सज्जा स्टार पोगारू में एक गुन्नी स्कूल शिक्षक का किरदार निभाया था। डेक्कन हेराल्ड ने एक ऐसी फिल्म में भूमिका स्वीकार करने के लिए उनकी घोर आलोचना की जो महिलाओं की नीचा दिखाने वाली रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। बॉस की उनकी दूसरी रिलीज में उन्होंने सुल्तान में कार्तिक के साथ तमिल सिनेमा में व्यावसायिक रूप से सफल शुरुआत किया था। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के पुदी पेडी ने सोचा कि रश्मिका मंदाना को दरकिनार कर दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुबुद्ध ने उनकी आकर्षक और शुरुआत के लिए प्रशंसा की थी। वर्ष की उनकी अंतिम उपस्थिति समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन अभिनेत्री थी। यह जिद्दी और लकी की भूमिका के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के करियर में एक महत्वपूर्ण सफलता दर्ज किया था क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पहचान मिली थी। फिल्म में कैंपेनियन के मुकेश और मंजुनाथ ने पाया है कि उन्होंने इन टेस्ट्रोन चार्ज परिवर्षों में जारी और उत्तरसा में मासूमियत की दर्शाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन दोस्तों उन्होंने अफसोस जताया है कि उन्होंने किरदार का बुरा चेहरा और आवश्यकजनक प्रभावशाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना तब से पुष्पा द राइज में सफलता से उन्हें